अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे 13 मंथ्स के बेटे विल्दान का रूटीन। ओके, तो ये विल्दान है और ये जो है तो वो उठ चुका है नींद में से। उसने अपनी नींद को बहुत अच्छे से इंजॉय किया और अभी वो बहुत हैप्पी है और अब मैं उसका रूटीन शुरू करने वाली हूँ। लेट्स सी। अब मैं विल्दान के कपड़े निकालूंगी, उसको नाइट ड्रेस पहना हुआ है। विल्दान आइए इधर बिट्टू। विल्दान को नाइट ड्रेस पहना हुआ है, वो अभी एसी के रिमोट से खेल रहा है और मैं अभी उसके कपड़े वगैरह उतार करके उसको अभी वॉश करवाऊंगी। उसके बाद में उसका बाथ टाइम होता है, उसको नहलाएंगे। देन आई विल प्रेफर टू गिव हिम ब्रेकफास्ट। ओके, सो फ्रेंड्स, यू नो विल्दान को मिल गया था करेला, जो कि मैं अभी कट करने वाली थी। यहाँ पे कोलगेट रखा है, ये करेला है, मैं इसे कट करने वाली थी और विल्दान को ये मिल गया। उसने यहाँ से हाथ पुरा के एक करेला लिया और देखिए कितने मज़े से खा रहा है विल्दान। विल्दान इज इंजॉइंग करेला। मुझे बहुत हैरत होती है यार, इसको कैसे करेला पसंद आ रहा है। ओके, इट्स गुड फॉर हिज हेल्थ। ओके, हो गया जूस ख़त्म हो गया करेले का, ठीक है अब हम इसको फेंक देंगे। अच्छी बात है विल्दान ने करेला खाया। मैं हैंड वॉश कर लूँगी अभी और अब मैं विल्दान के लिए ओट्स बनाऊँगी, जो कि मैंने इस बॉक्स में स्टोर करके रखे हैं। इट्स ओट्स। ओके, मैं इसका ओट्स सिंपली बनाती हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल के और नमक डाल के। पिंच ऑफ टर्मरिक डालिए इसमें और नमक डालिए। नमक हम डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट फॉर टेस्ट। अभी हम एक स्पून लेंगे, स्पून, और इससे इसे स्टर करेंगे। ओके, अच्छे से स्टर कीजिए और इसको हम थोड़ी देर 3 मिनट्स के लिए पकने देंगे। 3 मिनट में ओट्स तैयार हो जाता है, ठीक है। ये हमने डाल दिया और मैं घर में घी बनाती हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसमें 1 स्पून के करीब मैं घी ऐड करती हूँ इसमें। ओके, घर में ही मैं घी बनाती हूँ, ठीक है। 1 स्पून के करीब घी ऐड करती हूँ, जो कि बच्चों के हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हर तरीके से न्यूट्रिशियस भी है। घी डाल के हम इसको अच्छा स्टर करेंगे। अगर वाटर और लगता है तो हम इसमें और वाटर डालेंगे, और वाटर ऐड करेंगे। ये विल्दान का ओट्स तैयार हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये ओट्स तैयार हो गया है, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। तब तक हम विल्दान को नहला देते हैं, वॉश कर देते हैं। ओके, विल्दान अभी खेल रहा है और अब मैं विल्दान को अच्छे से वॉश करके उसको नहला देती हूँ, जब तक कि हमारा ओट्स भी ठंडा हो जाएगा उसको खिलाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ऑफर सम वाटर। मैं उसको थोड़ा पानी पिलाती हूँ सुबह में उठने के बाद में। आप चाहे तो गुनगुना दे सकते हैं, आप चाहे तो मटके का पानी दे सकते हैं, जो कि आपने बॉईल करके मटके में डाला हुआ है। हमारे यहाँ बॉईल वाटर मैं मटके में डालती हूँ स्पेशली,
बारिश के दिनों में तो ठीक है, बारिश के दिनों में बॉईल करना ही पड़ता है। तो चलिए विल्डान, चलिए हम नहा लेंगे। ओके, मैं जब तक के विल्डान को नहलाती हूँ और हम मिलते हैं विल्डान को नहलाने के बाद में। विल्डान सो एज़ यू कैन सी, विंदान उसके टब में है और मैंने पानी गीज़र लगाया हुआ है, अभी पानी फिल कर रही हूँ मैं। और हम विंदान के लिए मामा अर्थ का बेबी शैम्पू यूज़ करते हैं। मामा अर्थ बेबी शैम्पू बहुत अच्छा है, माइल्ड एंड नेचुरल। ओके, और बायोटिक का बेबी वॉश यूज़ करते हैं हम ये वाला। इट्स ऑल्सो गिव ऑसम स्मेल, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है इसका और इसका रिजल्ट भी अच्छा है, बायोटिक एंड ममार। ठीक है, सो अभी तो मैं विल्डान को नहला रही हूँ और विल्डान जस्ट इंजॉय करता है बात को। अभी मेरा पानी भी बन रहा है और मैं आपसे मिलती हूँ विल्डान के नहाने के बाद में। विल्डान से हाय, विल्डान से हाय। हेलो फ्रेंड्स, विल्डान नहा के आ गए हैं और अब मैं आपको बताऊंगी विल्डान विल्डान का आफ्टर बाथ रूटीन। ओके, मैं विल्डान के आफ्टर बाथ रूटीन के बारे में अब आपको बताऊंगी। ये प्रोडक्ट्स जो हम जो ये यूज़ करते हैं वो बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले तो हम मिमी का टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं विल्डान के लिए। मिमी का कोम्ब है और ये पाउडर पफ मिमी का आता है। बूम 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 सट्टादाद, माय विल्डान इज रेडी नाउ। विल्डान आप क्या कर ले हो बेटू, आप बाल क्यों खराब कर ले हो? अब हम विल्डान को ब्रेकफास्ट कराएंगे। ओके, ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है। मैं ब्रेकफास्ट में उसे ओट्स देती हूँ, एक बनाना और वाटर। ओके, लेट्स गो। विल्डान इज सुपर एक्साइटेड फॉर बनाना एंड ही पिक्ड, उसने बनाना को चूज़ किया है पहले खाने के लिए। तो हम पहले उसको बनाना खिलाएंगे और बीच बीच में मैं उसको ओट्स भी खिलाती जाऊँगी। ओके, बाबा अल्लाह किधर है? अल्लाह 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 वेयर इज अल्लाह? ये ही इज शोइंग स्टैंडिंग हिज हैंड दैट वेयर इज अल्लाह। And he big banana. Okay, you want banana? He loves, just love banana. So, अब विल्डान का लंच टाइम हो गया है और मैं और विल्डान साथ में ही लंच करते हैं। हमने उसे शुरू से आदत डाली है कि सबके साथ बैठ के खाना चाहिए। मैंने बनाई है मूंग की दाल की ये सॉफ्ट वाली खिचड़ी। ओके, सो विल्डान लंच करेगा। विल्डान विल्डान आइए बेटू। देखिए विल्डान कैसे उतरता है सोफे पे से। वेरी गुड विल्डान, कम हियर बिट्टू। विल्डान आइए, विल्डान विल्डान आइए बिट्टू। नाउ विल्डान इज ईटिंग, वेरी गुड। विल्डान काफ़ी थक चुका है खेल के,
इंजॉय करके, और अभी वो अपनी पावर नैप ले रहा है। आई कैन शो यू लाइक दिस। उसको ब्लैंकेट ओढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कवर करना खुद को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, और अगर मैं उसको ब्लैंकेट डालूंगी भी तो वो उठ जाएगा। दैट्स वाई वो ऐसे ही सोता है, जब से हुआ है तब से उसको बिल्कुल ब्लैंकेट या कवर अप करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी विल्दान सो रहा है, पता नहीं है उसकी नैप हाफ आर की रहती है या फिर 1 आवर की रहती है, डिपेंड्स ऑन हिम। अभी वो मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। सो अभी वो सो रहा है जब तक कि मैं मेरे दूसरे काम निपटा लूँगी, जैसे अगर मुझे क्लोथ वॉशिंग करना है तो मैं वो कर लेती हूँ, कुछ सफाई करना है तो वो कर लेती हूँ, या फिर कुछ ऐसे काम जो मैं विल्दान के साथ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब विल्दान उठा रहता है तो मुझे पूरा कंसंट्रेशन विल्दान पे करना पड़ता है, और अगर मैं ज़रा भी इधर उधर काम में लगूँ तो फिर इधर कुछ ना कुछ या तो विल्दान अपना नुकसान कर लेता है या फिर विल्दान अपनी पावर नैप लेके उठ चुका है। और अभी बज रहे हैं 7, वो सोया था 6:45 से सोया था वो, तो अभी उठा है वो 7 बजे। ओके, तो 1.25 घंटा सोया है वो, और अभी वो अपना पानी पी रहा है और बाहर का व्यू थोड़ा इन्जॉय कर रहा है। वो बेडरूम में से, हमारी विंडो में से जो व्यू दिखता है वो इन्जॉय कर रहा है। ओके, सी विल्दान, वेयर इज योर टेडी बाबा? You wanna go outside? अभी विल्दान अपने डैडी के साथ में मस्ती कर रहा है, इंजॉय कर रहा है टाइम, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करूँगी। बाय। कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग, मेरी छोटी सी कोशिश और मेरे विल्दान का दिन भर का रूटीन, आप मुझे प्लीज़ बताइए। ओके, आपके सब्सक्रिप्शन का इंतज़ार रहेगा, और जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।